So I welcome you all to the part 4 of the series on CSAT passages and in this video, we will discuss the questions ko discuss karenge and technique is going to remain the same as previous videos. Mein thi. So here is the first passage, let's see the question. On the basis of the above passage, the following assumptions have been made. Large-scale soil erosion is a major reason for widespread food insecurity in the world. Soil erosion is mainly anthropogenic. सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्प इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज नाउ अगर आप स्टेटमेंट टू को देखें तो इसका कहने का मतलब है 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 कि इरोजन इरोजन मेनली मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती एंड इट इज एंथ्रोपोजेनिक सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि के सबसे बड़े कारण होते हैं रेनफॉल एंड फ्लडिंग अगर आपने बेसिक्स ऑफ सॉइल इरोजन भी पढ़ा है तो यू कैन इजीली रूल आउट द स्टेटमेंट टू एंड अगर आप स्टेटमेंट टू को एलिमिनेट कर पाते हैं यू स्ट्रेट अवे रीज ऑन टू आंसर बिकॉज ऑप्शन ए सी and d is clearly out so option b that is three only is the correct answer here okay let's see this question now on the basis of the above passage following assumptions have been made economic power is the only reason for existence of inequality in a society inequality of different kinds income wealth etc reinforces power economic power can be analyzed more through its effects than by direct empirical methods अगर आप स्टेटमेंट नंबर वन को देखें तो इट इज क्लियरली एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि इकोनॉमिक पावर एकमात्र कारण है एग्जिस्टेंस ऑफ इनइलिटी के लिए सो so, यहां पर पहली स्टेटमेंट बहुत ही इजीली एलिमिनेट हो जा रही है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट होने की वजह से ऑप्शन ए ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज आउट सो योर आंसर वेरी इजीली कम्स आउट टू बी ऑप्शन बी अब ऐसे क्वेश्चंस को पर्सनली मैं बोलता हूं फ्री के क्वेश्चंस क्योंकि इन क्वेश्चन में ना तो आपको पैसेज पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है और ना ही आपको सारे ऑप्शन को प्रॉपरली एनालाइज करने की जरूरत है यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट वन ऑप्शन एंड यू स्ट्रेट अवे रीच आंसर एंड ऐसे द्वेश्चन में लिटरली आपका बहुत ज्यादा समय बचता है एन पैसेज लेट सी द क्वेश्चन नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अब पैसेज फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मैथ डायवर्सिफाइड देयर फील्ड विल बी इन एन एडवांटेज पोजिशन इन द फ्यूचर नाउ यह स्टेटमेंट एक फ्यूचर ओरिएंटेड और पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रही है सो लेट्स पुट दिस स्टेटमेंट ऑन होल्ड क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी यहां पर एक्सट्रीम वर्ड का किया यूज किया गया है दैट इज एडवर्सली और बहुत ज्यादा श्योरिटी से कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज से क्रॉप डाइवर्सिटी अफेक्ट होगी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होगी सो स्टेटमेंट बी कैन बी रूल्ड आउट वेरी इजिली नाउ शिफ्टिंग मेजर क्रॉप्स

क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन द फ्यूचर अगेन यहां पर श्योरिटी से कहा गया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाला क्लाइमेट चेंज होने वाला है इन द फ्यूचर सो दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकली इेशनल स्टेटमेंट आई वुड से सो ऑप्शन डी कैन ऑल्सो बी एलिमिनेटेड ना इफ यू सी ऑप्शन ए इसमें किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है क्योंकि यहां पर सिर्फ इतना कहा गया है कि फार्मर जो अपने कल्टीवेशन के मेथड्स को मॉडर्नाइज करेंगे वो एक एडवांटेजेस पोजीशन में होंगे फ्यूचर में सो आई डोंट थिंक इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर अनदर पैसेज लेट्स सी द क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल साइंटिफिक एंड रैशनल इंफ्रस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज डिफरेंट स्पीशीज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ हैंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडिवर्सिटी लिम्स बिंग यूज बाय डिफरेंट स्पीसीज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क ज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडावर्सिटी ना अगर आप स्टेटमेंट ए और बी को देखें तो अगर आपने एनवायरमेंट एंड बायोडावर्सिटी के बेसिक्स भी पढ़े हैं सो यू कैन इजीली रूल आउट एंड बी ना वी है करेक्ट स्टेटमेंट अमंग सी एंड डी मैन एंड अ फोर मैं स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ को इंसिडेंस इन एवोल्यूशन मैन एंड अ फोर मैं शेयर्ड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अब देखिए अगर आप क्वेश्चन को वापस रीड करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल साइंटिफिक एंड रैशनल अब नॉर्मली यूपीएससी क्वेश्चन में लिखता है, rational, यहां पर एक किया गया है अब आप इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो आपको स्टेटमेंट साइंटिफिक लग रही है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए सी इट्स ऑल अबाउट गेसिंग अमंग ऑल सो अब इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे होती है अब इस में लिखा है के मैन और अफोर मेंशन जो ऊपर एनिमल्स हैं उनका जो सिमिलर स्ट्रक्चर है वो एवोल्यूशन में एक कोइंसिडेंस है राइट right? और इस स्टेटमेंट में कहा गया है मैन एंड अफोर मेंशन एनिमल्स उनमें जो भी सिमिलरिटी है वो शेयर्ड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की वजह से है अब कोइंसिडेंस जैसी चीजें कभी भी साइंटिफिक नहीं हो सकती राइट बिकॉज़ साइंस ऑलवेज हैज़ अ रीजन फॉर समथिंग सो इस स्टेटमेंट में एक रीजनिंग दी गई है कि उनकी एक शेड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है एंड यहां पर बोला गया है कि एवोल्यूशन एक को है सो so ऑब्वियसली अगर आपको सी और डी में पिक करना हो एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना हो सो ऑप्शन डी इज द मोस्ट रेलिवेंट स्टेटमेंट हियर नो ऐसे क्वेश्चन में आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आपको रिस्क लेना है देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस काइंड ऑफ लॉजिक अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू टू बेटर स्किप दीज क्वेश्चन बट जस्ट इनकेस यू वॉन्ट टू टेक अ रिस्क And attempt such questions, आप इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं कन्वे करना चाहूंगा कि कैसे यूपीएससी आपकी साइकोलॉजी से खेलता है देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं अगर आप पहले तीन ऑप्शन को देखेंगे तो ये काफी ज्यादा मतलब लंबी चौड़ी और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है और जो स्टेटमेंट डी है जो की आंसर है उसको सबसे नीचे रखा गया है एंड मोर ओवर उसकी लेंथ भी सबसे मिनिमम है एंड थोड़ी सी वेग भी है लाइक like उसको अगेन समझने के लिए आपको उसे दो से तीन बार पढ़ना पड़ेगा एंड यहां पर एग्जामिनर चाहता यह है कि आपका सारा का सारा टाइम ऑप्शन ए बी और सी को पढ़ने और समझने में लग जाए एंड यू डू नॉट इजिली रीच द ऑप्शन डी विच इज द रियल आंसर सो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो थोड़ा एग्जामिनर के माइंडसेट से भी सोचें कि अगर आप एग्जामिनर होते तो आप आंसर को कैसे हाइड करने की कोशिश करेंगे अमंग ऑल द फोर ऑप्शन बेस्ड ऑन द अब पैसेज दिन मेड ग्लोबल वार्मिंग हैज अरिंग ऑन प्लेनेट्स बायोलॉजिकल एवोल्यूशन सेपरेशन ऑफ लैंड मासज कॉजे रिलीज ऑफ ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन इन द एटमोसफियर इंक्रीज वार्मिंग ऑफ दी अर्थ एटमोस्फियर कैन चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स फ्लोर एंड फोना द प्रेजेंट मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग विल फाइनली लीड टू द कंडीशन सिमिलर टू दो विच हैपन फिफ्टी सिक्स मिलियन ईयर को अब अगर आप स्टेटमेंट फोर्थ को पढ़े तो आप इसको इजिली रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर बहुत श्योरिटी से कहा गया है कि प्रेजेंट मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फाइनली ऐसी कंडीशन आ जाएंगी जो फिफ्टी सिक्स मिलियन ईयर पहले थी सो so, ये स्टेटमेंट प्रैक्टिकली इेशनल है सो वी कैन एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट सो so, अगर स्टेटमेंट फोर गलत है सो ऑप्शन बी इज आउट एंड ऑप्शन डी इज आउट नॉ यू हैव टू सी 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 बिटवीन ए ए एंड अब और में स्टेटमेंट वन कॉमन है इसका मतलब स्टेटमेंट वन सही है सो वी डू नॉट हैव टू चेक फॉर स्टेटमेंट नंबर वी हैव टू कंपेयर स्टेटमेंट एंड थ्री अब स्टेटमेंट टू में कहा गया है कि सेपरेशन ऑफ लैंड मासेस की वजह से ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन रिलीज होता है फॉर अ मोमेंट मान लीजिए कि आपको ये फैक्ट के बारे में नहीं पता Now, अगर आप स्टेटमेंट थ्री को देखें इंक्रीज वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमोसफेयर कैन चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स फ्लोर एंड फोना अगेन यहां पर एक पॉसिबिलिटी की बात की गई है कि वार्मिंग की वजह से फ्लोर फोना की कॉम्पोजिशन चेंज हो सकती है अगेन इसने श्योरिटी से नहीं कहा है कि होगी ही होगी सो स्टेटमेंट थ्री एक करेक्ट स्टेटमेंट है सो so, अगर स्टेटमेंट थ्री करेक्ट है सो ऑप्शन सी दैट इज वन एंड थ्री इज द करेक्ट आंसर अब आप देखिए कि इस टेक्निक से ये क्वेश्चन इतना जल्दी सॉल्व हो गया कि इतने कम समय में आई थिंक आप पैसेज को पूरा भी रीड नहीं कर सकते मतलब जितनी देर में आपके साथ वाले कैंडिडेट्स पैसेज को पढ़कर खत्म भी नहीं हुए होंगे उतने में आप इसका आंसर भी निकाल लोगे वो भी बहुत इजीली और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ एन पैसेज लेट्स सी द क्वेश्चन व्हिच इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल कोरोलरी टू द अब पैसेज सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर्स ज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एजेंडा रिगार्डिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट यह स्टेटमेंट काफी अच्छी स्टेटमेंट है सो वी विल पुट दिस स्टेटमेंट ऑन होल्ड पुअर कंट्रीज हैव लिटल रोल टू प्ले इन द मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यह एक इन स्टेटमेंट है कि पुअर कंट्रीज का बहुत कम रोल होता है ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने में सो यू कैन इजिली रूल आउट दिस स्टेटमेंट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर हाउस होल्ड इंडिया विल नॉट हैव फूड फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द फोर्स फ्यूचर यह भी एक प्रैक्टिकली इेशनल स्टेटमेंट है क्योंकि श्योरिटी से कहा गया है कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी जस्ट बिकॉज हमारे पास बहुत सारे फार्मर हाउस होल्ड है सो स्टेटमेंट सी इज इन करेक्ट नाउ ऑप्शन डी ओनली स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया कैन एंश्योर फूड सिक्योरिटी अगेन दिस स्टेटमेंट कैन बी इजीली रूल्ड आउट सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पैसेज द अबव पैसेज एम्प्लाइज दैट देर इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट केपेबिलिटीज स्टेटमेंट टू तो अनडाउटेबली सही है एंड uh, इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है नॉ इफ यू सी स्टेटमेंट वन यहां पर भी एक पॉसिबिलिटी की बात की गई है कि इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी की एक पोटेंशियल प्रॉब्लम है मतलब इस स्टेटमेंट को अगर मैं एक्सपैंड कर, कर लिखूं तो इसका मतलब यह है कि देर इज अ पॉसिबल बट नॉट येट एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया सो पूरा शब्दों का खेल है यहां पर अगर आप पोटेंशियल की हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो आई थिंक आप वहां से भी इसका मतलब समझ सकते हैं एंड वहां पर क्लियरली लिखा है कि फूड इनसिक्योरिटी की एक संभावित समस्या है इंडिया में सो स्टेटमेंट वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट सो हेयर आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन सी दैट इज बोथ वन एंड टू

कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी गवर्नमेंट्स की और कंपनीज की फ्यूचर में सो स्टेटमेंट टू इज रूल्ड आउट नाउ स्टेटमेंट थ्री इग्नोरिंग क्लाइमेट चेंज इज अज रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है सो स्टेटमेंट वन एंड थ्री इज करेक्ट सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हि एन पैसेज लेट सी द क्वेश्चन Which one of the following is the most logical, rational, and crucial message conveyed by the above passage? TB is not a curable disease in Indian circumstances. Clearly, negative statement, so ruled out. Curing TB requires more than diagnosis and medical treatment. Now, this is a vague statement, lag rahi hai. so we will have to put this statement on hold. Government surveillance mechanism is deficient, and poor people have no access to the treatment. स्टेटमेंट क्लियरली नेगेटिव स्टेटमेंट है एंड दिस स्टेटमेंट कैन बी रूल्ड आउट क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट का क्लियर क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस लाइक टीबी ओनली वेन इट्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेड अगेन ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि इंडिया टीबी जैसे डिजीजेस से तब तक फ्री ही नहीं हो सकता जब तक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट ना किया जाए सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रूल्ड आउट अब यहां पर बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑप्शन बी कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था देखिए यहां पर आंसर एक ईजी कैच नहीं है यू विल है बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को कह दिया गया है एंड इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने आपकी साइकोलॉजी से खेलने की पूरी कोशिश की है अगर आप स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी को पढ़ेंगे तो इन्हें एक बार पढ़ने पर ही इनका मतलब समझ आ जाता है एंड काफी सेल्फ टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स है Whereas, B, है एज ऑप्शन बी जो रियल आंसर उसे काफी कॉम्पैक्ट बनाया गया है सो so दैट आपका मैक्सिमम अटेंशन बी पर ना रहकर बाकी ऑप्शन पर रहे सो आई थिंक रियल स्मार्टनेस वो होगी अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा एग्जामिनर के माइंड से भी सोचने की कोशिश करें एंड पैसेज let's see the question which one of the following is the most logical rational and crucial inference that can be derived from the above passage a better regulatory system will help india achieve the size of economy appropriate to its population seems to be an okay statement let's put it on hold in a competitive global economy india must use regulations strategically again a little vague statement so we will again put this on hold Regulations in India do not favor its integration with today's hyper competitive global economy. This is clearly a negative statement and an anti India statement. So, this statement is eliminated. Job creation and economic growth should be dominant considerations in developing India's regulatory system. Again, an extreme statement that job creation and economic growth should be dominant considerations. So, this statement is again eliminated. Now, you have to choose between A and B. एंड सी विच स्टेटमेंट इज बेटर नाउ स्टेटमेंट ए में कहा जा रहा है कि एक बेटर रेगुलटरी सिस्टम अगर होगा सिस्टम तो इंडिया अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी इकोनॉमी की अचीवमेंट कर पाएगा वेर एज स्टेटमेंट बी में यह कहा जा रहा है कि आज की कॉम्पिटेटिव ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया को अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलेशन को स्ट्रेटेजिकली यूज करना चाहिए सो so, अगेन अगर कंपेयर करेंगे ए और बी को तो बी सीम्स टू बी अ मोर रैशनल एंड लॉजिकल स्टेटमेंट सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर एन पैसेज लेट्स सी द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज फॉलोइंग अबेज हैव एज्शन मेड ग्लोबल वार्मिंग इज अ फ्रीक्वेंटली अकरिंग नेचुरल फिनोमिन वी डोंट नो अबाउट इट सो वी विल पुट दिस ऑन होल्ड द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट स्मॉल मेमल्स सी लॉजिकली ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं होगा ऐसा हम श्योरिटी से नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर श्योरिटी से कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग एडवर्सली अफेक्ट नहीं करेगी स्मॉल मेमल्स को सो आई थिंक यू कैन एलिमिनेट द स्टेटमेंट नंबर टू वेरी इजिली सो अगर स्टेटमेंट टू को आपने एलिमिनेट कर दिया यू स्ट्रेट अवे रीच द आंसर दैट इज ऑप्शन बी अब यहां पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पैसेज काफी बड़ा है एंड अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इजीली यू कैन रीच द आंसर विदाउट मिनट ऑफ योर्स ओके अदर पैसेज क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द अब फॉलोइंग एज है्यूमन है मेन रीजन फॉर द लार्ज स्केल एक्सटेंशन ऑफ प्लांट स्पीसीज कंजम्पन ऑफ फूड मेनली फ्रॉम लोकली कल्टिवेटेड क्रॉप एंडश्योर्स क्रॉप डायवर्सिटी द प्रेजेंट स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड

ऑप्शन ए इज आउट एंड ऑप्शन सी इज आउट नाउ वी है वो करेक्ट है सो so, हम इस स्टेटमेंट को दोबारा नहीं पढ़ेंगे नाउ वी मतलब हमें स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को कंपेयर करना है एंड एक अक्यूरेट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है अब अगर आप स्टेटमेंट वन को देखें ह्यूमन हैव बीन मेन रीजन फॉर लार्ज स्केल एक्सटेंशन ऑफ प्लांट स्पीसीज की प्लांट स्पीसीज की लार्ज स्केल एक्सटेंशन के लिए ह्यूमन ही मेन रीजन है सो so यह भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है सो स्टेटमेंट वन को आप रूल आउट कर सकते हैं ऑप्शन बी दू एंड फोर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अपना वेल्यूएबल फीडबैक देते रहिएगा क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है For creating the new content. I'll see you guys in the next one. Bye.